दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं प्रयागराज जनपद के चांद खमरिया कृष्ण मृग वन संरक्षित क्षेत्र में, जहां इस बंजर एवं पथरीले इलाके में तकरीबन 800 से ज़्यादा काले हिरण निवास करते हैं। और जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यदि आप यहां विजिट करते हैं तो एक दो नहीं बल्कि आपको दर्जनों की संख्या में इधर उधर घूमते हुए काले हिरण मिल जाया करते हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। दोस्तों जानकारी के लिए बता दें कि चांद खमरिया कृष्ण मृग वन संरक्षित क्षेत्र सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं अपितु पूरे भारत का इकलौता ऐसा वन्य जीव अभयारण्य है जहां सिर्फ व सिर्फ काले हिरणों को संरक्षित किया गया है। दोस्तों चांद खमरिया में काले हिरणों का संरक्षण जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक में इनकी संख्या में लगभग दोगुनी वृद्धि देखी गई है, पर इनकी बढ़ती संख्या के मद्देनज़र यहां पर इनके लिए सुविधाओं में काफ़ी कमी देखी जा रही है, जिसे बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है, खास तौर पर तब जब गर्मी का मौसम शुरू होता है। दोस्तों 3 मार्च 2022 को विश्व वन्यजीव दिवस के मौके पर मैंने देखा है चांद खमरिया कृष्ण मृग वन संरक्षित क्षेत्र में काले हिरणों के लिए आरक्षित की गई भूमि में हिरणों की कुल संख्या की 10% आबादी भी निवास नहीं करती है। ज़्यादातर हिरण वन संरक्षित क्षेत्र से बाहर किसानों के खेतों, बागों, तालाबों आदि में निवास करते हैं। अतः गर्मी के मौसम के आगमन के साथ ही साथ जब किसानों की फसलें कट जाती हैं, घासें व तालाब सूख जाते हैं, तब हिरणों के सामने भूख व प्यास का संकट गहरा जाता है, जिसकी वजह से ये हिरण भोजन व जल के लिए इधर उधर भटकने लगते हैं और फिर आवारा कुत्तों या शिकारियों द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं। अतः शासन को गर्मी के दिनों में विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत होती है। हालांकि हिरणों को पानी पीने व नहाने के लिए वन संरक्षित क्षेत्र में 12 तालाब भी बने हैं। इसमें से 8 तालाब पक्के और 4 कच्चे हैं, और इन तालाबों में शुद्ध जलापूर्ति के लिए 3-4 सबमर्सिबल भी लगाए गए हैं, किंतु टेक्निकल फॉल्ट या संख्या बल आदि के चलते ये तालाब खाली ही रहते हैं, जिसकी वजह से हिरणों की पानी की दैनिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है और वो दूर चले जाते हैं। मज़े की बात यह है कि लोगों में फॉरेस्ट वॉक एडवेंचर की चाह जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ पर शासन द्वारा लोगों के लिए सुविधाएं दिनों दिन बढ़ाई जा रही हैं। पर यहाँ पर जिस जीव को संरक्षित किया गया है उसकी सुविधाओं में उतना इजाफा नहीं देखा जा रहा है जितना कि होना चाहिए। आज हम काला हिरण वन क्षेत्र चांद खमरिया में आए हुए हैं और हम इस समय वॉच टावर पर, हम सब वॉच टावर पर हैं, और आप जैसा देख रहे हैं पीछे पूरा चांद खमरिया का ये खाली खाली स्थान दिख रहा है, और यही वह स्थान है जहाँ की काले हिरण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आके आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग तो यहाँ पहली बार ही आए हैं और हिरण भी हम लोग को देखने को भी मिले, 3-4 हिरण हम लोगों ने देखा भी। अभी धूप का टाइम है तो थोड़ा और दूर घास की मैदान की तरफ चले गए, लेकिन बहुत अच्छा लगा, यूनिक एक्सपीरियंस है आना। अच्छा, यहाँ पर हमें कुछ हिरणों के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, जैसे तालाब वगैरह, यहाँ इसमें पानी का अभाव है तो कहीं ना कहीं पानी की कमी की वजह से भी वो दूर भागते होंगे, हो सकता है।
नहीं तो अगर तालाब भरे रहते पानी पीने के लिए उनको मिलता तो शायद नजदीक में रहते। तो यहाँ पर सिर्फ हिरण देखने के लिए आए कि बाकी जो है इससे कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा आप सबको? हाँ, जो घर के वातावरण से दूर अगर हम कहीं सुरम्य स्थान पर जाते हैं तो यहाँ पर हमें न तो शुद्ध कुल मिला के शुद्ध हवाएं भी मिलती है, साथ ही साथ हमारा वातावरण चेंज होने से हमें शांति और सुकून का भी अनुभव होता है। फ्रेंड्स हमारे साथ ये चांद खमरिया जिस ग्राम सभा में है जैसे माहौली कला है, चांद खमरिया है और इटवा खुर्द है, यहाँ के प्रधान बंधु भी आए हुए हैं। मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ हिरणों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं शासन के द्वारा और प्रशासन के द्वारा? सबसे पहले यहाँ पर तो बाउंड्री वॉल होनी चाहिए जी, जलाशय जो तालाब बने हुए हैं उससे और बेहतरीन तालाब बनने चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, टूरिस्ट के लिए बैठने के लिए जो हर पार्कों में होता है उस तरीके से विशेष ध्यान दिया जाए और सबसे ज्यादा हिरणों के लिए पानी और इसका जब तक बाउंड्री नहीं होगा जी तब तक जो है बहुत ऐसी दिक्कत होती है, खासतौर पर गर्मियों में तो काफी हिरण इस जगह जो है जब गांव स्तर में जाते हैं तो वहाँ पे जानवरों के शिकार होते हैं, जैसे कुत्ते उत्ते वगैरह उनको काफी क्षत पहुँचाते हैं जी। तो ऐसी स्थिति में बाउंड्री वाल यहाँ पानी की सुविधा तो नितांत आवश्यक है। कुल मिला के जो हिरण है खासतौर से काले हिरण ये भारतीय महाद्वीप में प्राचीन काल से पाए जाते रहे हैं और इनका संबंध हमारे रामायण काल से भी रहा है जी जी जी। तो हम सब की भी जो है जरूर जिम्मेदारी बन के इनको संरक्षित किया जाए, बचाया जाए और शासन तो कुल मिला के जो कर रहा है तो कर रहा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों ग्रामीण वासियों की क्या भूमिका? ग्रामीण वासियों चूंकि शासन द्वारा सुरक्षित वन संरक्षण के लिए की गई है तो ग्रामीण स्तर से इसमें कुछ इतना धन भी लगता है और इसकी अनुमति शायद न हो जी। और ग्राम पंचायत स्तर से जो भी धन होता है ये छोटे मोटे छोटे स्तर से कोई काम इसमें संभव नहीं हो सकता कि जिस तरीके से यहाँ पे काम होने का यहाँ पे शासन द्वारा कार्य किया जा सकता है जो कि वन संरक्षण के अधीनस्थ लोग हैं, अधीनस्थ मंत्रालय जो भी पैसे की व्यवस्था है यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा हमें कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ लगभग 700 या 800 के करीब है, इससे ज्यादा ही होंगे, इससे ज्यादा ही होंगे क्योंकि यहाँ दो तीन पेड़ के पाए जाते हैं, सब पीले वाले वगैरह होते हैं और काले वाले भी। नहीं तो पीला ये कई नस्ल के हैं, दरअसल जो काला हो जाते हैं सीन होती है और मर है और जो पीले रंग की होती है मादा, अंदर अंदर मादा। तो यहाँ पर अगर अगर मर जाते हैं जो काले रंग तो उनके लिए क्या सुविधा? इनके लिए जो भी वन विभाग के लोग हैं उनको सूचना दी जाती है, जिस भी जिसे सटे हुए कई गाँव है तो जिस भी क्षेत्र में होते हैं वहाँ के जनता और प्रधान द्वारा सूचना दी जाती है वन विभाग को कैसी ऐसी घटनाएं हुई तो लोग ले जाते हैं जो भी इसी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। दोस्तों मैं अपने YouTube चैनल SKK अर्थ पर वन्य जीवों से संबंधित ऐसे ही वीडियोज अक्सर लाता रहता हूँ। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर आल वाली घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि इस चैनल की आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार।